कलवन जी ऑयल सफेद शहद है, बहुत ही खूबसूरत शाही मेहमान जनाब मोहम्मद यहिया। स्पेशल स्पेशल अलीम है और ये है स्पेशल बिरयानी। अरब की बनाई हुई दुनिया अगर मौका हो और आपके पास गुंजाइश हो तो घूमनी चाहिए, लेकिन उसको घूमने के लिए आपको वहाँ के टिकट्स ख़रीदने हैं, वहाँ के वीज़ाज लेने हैं। ये एक तरीका है। एक दूसरा तरीका ये है कि अगर आप दुबई में हैं तो आप सीधे चले आइए ग्लोबल विलेज। तो यहाँ पर आने के बाद आपको सारी दुनिया के, लगभग सारी दुनिया के हर मुल्क के कल्चर, वहाँ के कुजीन, वहाँ के मशहूर प्रोडक्ट, मतलब बहुत कुछ मिल जाएगा, वहाँ की खुशबू, वहाँ का माहौल। इस वक्त हम दुबई में हैं, ग्लोबल विलेज में हैं, तो यानी आज ग्लोबल विलेज में ग्लोबल सेंटर का कैमरा है, ये काफ़ी कुछ देखेगा और आपको दिखाएगा। आखिर तक साथ रहिएगा, यहाँ खाने भी हैं। आइए, जैसे ही आप हैप्पीनेस गेट से, इसके तीन गेट हैं, हम हैप्पीनेस गेट से अंदर आए और जैसे ही आप हैप्पीनेस गेट से अंदर आएंगे आपको नज़र आएगा अपने लेफ्ट हैंड पे अल हिंद, अरबी में लिखा हुआ, यानी हिंदुस्तान या इंडिया। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करें, अंदर चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ क्या मामलात हैं, हमारे मुल्क की क्या क्या चीज़ें यहाँ पर हमें नज़र आती हैं। अपने मुल्क की कुछ चीज़ें, कुछ निशानियाँ, कुछ वहाँ की रिवायात दूसरे मुल्कों में जाकर नज़र आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे हवा महल की तर्ज का कुछ इन्होंने यहाँ ये स्ट्रक्चर बना रखा है। भाई ये तो बड़ी खूबसूरत, बड़ी अजीब सी जगह है। मैं अभी इंडिया से निकल कर आया हूँ और ये बीच की राहदारी है। मेरे सामने सऊदी अरब, मिस्र, ईरान, कतर, इधर लबनान, इधर फ़िलिस्तीन, बस यूँ ही सारे मुमालिक के नाम आपको नज़र आते चले जाएंगे। वहाँ के खाने, वहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स, वहाँ के कुछ गारमेंट्स, वहाँ के कुछ समझ लीजिए कि मसनूआत इस टाइप की जो वहाँ की ट्रेडिशनल होती हैं वो आपको नज़र आएंगी। हर मुल्क का नाम यहाँ आपको दिख जाएगा और उसके नीचे उसी की कुछ ना कुछ खास चीज़ें आपको मिलेंगी। डोसा एक्सप्रेस, यहाँ डोसा मिल रहा है, तंदूरी, मटका चाय, ये सारे जो आप स्टॉल्स देख रहे हैं ये इंडियन खाने के हैं। और हम अब थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं ईरान की तरफ। आप इंडिया से गुजरते गुजरते आगे जाते हैं तो आपको कतर, ओमान लिखा हुआ नज़र आता है। ये समझ लीजिए कि हर चंद कदम पे यहाँ मुल्क बदलते हैं। कतर, ओमान, लेबनान, फिलिस्तीन, ईरान की तरफ चलेंगे, उस देखते हैं पाकिस्तान का मामला की तरफ। अच्छा जी, यहाँ ये तुर्क कबाब यानी टर्किश कबाब होगा ज़रूर मेरे ख्याल है, जहाँ तक ये मेरे ख्याल में कुछ खास होना चाहिए। खा कर देखें, था कि कभी इस्तांबुल में खाया था, यहाँ दुबई के इस्तांबुल में खाकर देखते हैं। वही समझ लीजिए कि हमने खाया था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, तो टर्किश नाम था, खैर बहरहाल यहाँ खाकर देखते हैं। मैंने इनको बोला स्पाइसी चाहिए, इन्होंने थोड़ी सी लाल लाल कोई चीज़ लगाई। थैंक यू। तो साहब, कभी ये इस्तांबुल की सड़कों पर हमने खाए थे, अब यहाँ इस दुबई के अंदर ग्लोबल विलेज में खाकर देखते हैं। बड़ी मशहूर चीज़ है वहाँ की, बिस्मिल्ला। एक बड़ी अजीब सी बात बताऊँ आपको, जितने अच्छे वहाँ नहीं लगे थे जितने अच्छे यहाँ लग रहे हैं, बहुत अच्छा है। क्योंकि कबाब होते हैं, थोड़े सख्त होते हैं लेकिन मज़ेदार होते हैं, अच्छा है। मैंने इसे स्पाइसी लिया था, तो जल्दी से फिनिश करके आगे बढ़ते हैं। साहब कड़क चाय, अभी तक इंडिया चल रहा है, ये आया सऊदी। कलवन जी ऑयल, दिस इज द बेस्ट ऑयल फ्रेश, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शिफा, दिस इज कलवन जी। भाई कलवन जी का तेल निकाल रहे हैं ये मशीन है, मेडिसिन, या माशाल्लाह क्या बात है। कलवन जी का तेल हाथ क्या निकालते हैं,
द बेस्ट हनी। ये कह रहे हैं कि ये बेस्ट हनी है। बेस्ट हनी फ्रॉम यमन, गुड फॉर स्टमक, गुड फॉर हेल्थ, गुड फॉर एनर्जी। दिस वन हनी कलौंजी, ये 300 दिरहम का एक किलो है। ये कलौंजी के साथ हनी है, यानी हनी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर। इसके बेनिफिट्स भी बता रहे हैं और ये चखा भी रहे हैं। क्या बात है यार, माशाल्लाह। एक तो शहद, ऊपर से कलौंजी, दोनों चीज़ों में शिफा है। दिस इज वाइट हनी, दिस इज गुड फॉर कैल्शियम, गुड फॉर मेमोरी, गुड फॉर बोन्स। वाइट हनी, दिस इज डिफरेंट हनी। सफ़ेद शहद है, वाइट। साहब कह रहे हैं कि ये कुछ खास है यार, कमाल है। ये हंगेरियन हनी है, हंगरी से आता है। जिंजर हनी, सिद्रा माउंटेन, ज़ाफरान हनी। ज़ाफरान हनी, या व्हाट्स योर नेम? अब्दुल अजीज। अब्दुल अजीज, यू आर फ्रॉम यमन? ब्रदर, यू टेक वीडियो फॉर शॉप। बिस्मिल्लाह, माशाल्लाह, हनीकॉम। अच्छा जी, हनीकॉम भी बिक रहा है यहाँ पर। ये भाई शहद का खजाना है ये दुकान। खजाना शहद, दिस वन। कितने किस्म का शहद है? दिस वन ऑयल फ्रेश, नेम नेम असरार النحل, सीक्रेट ऑफ बीस असरार النحل, असल वजी। मार्च, अप्रैल, अप्रैल या अप्रैल, अप्रैल, अप्रैल तक रहेगा ये मेला जो है। हमारे मुताबिक ये एक मेला ही है। ये यमनी लोग हैं, बड़े मोहब्बत वाले हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम। भाई असली शहद है ये सारे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। 350 रुपये किलो वाला हनी इन्होंने हमें तकरीबन 100 ग्राम पैक करके दे दिया है। और उन्होंने कहा है कि 100 ग्राम यानी मनी 35 ग्राम। दिस इज गेट्स फॉर यू, माशाल्लाह, स्माइली, गुड, नंबर 1 ब्रांड। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच अब्दुल्ला। सलाम अलैकुम। सलाम अलैकुम। Assalamu alaikum. How are you? Perfume. It's for body. I have this one, the best seller for me. It's named Pion Love. It's white oud with amber, with vanilla, with coffee. And waqim about the chai. Don't worry for a price. I will give you good price because you are a good person. I will give you one piece in 350 and extra one gift. This one, a blueberry with coffee, with honey, with lemon, with amber. पर्शियन कबाब भी सामने नज़र आ रहा है, लेकिन जाहिर है कि हम ये सारी चीज़ें खा नहीं सकते। तो ये है जापान। जापान आएंगे तो आपको जापानी चीज़ें नज़र आएंगी। यहाँ फूट मसाज हो रही है, यहाँ पर कुछ जूसेस हैं शायद, यहाँ पर कुछ जूसेस हैं। माहौल बदलता है जैसे जैसे आप अलग अलग कंट्रीज के पवेलियन में जाते हैं, वैसे वैसे माहौल बदलता है। दुबई आए तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है मेरे हिसाब से कि आप इस ग्लोबल विलेज में ज़रूर आएँ। यहाँ जो माहौल आपको मिलेगा वो आई डोंट थिंक दुबई में किसी भी और पॉइंट में मिलेगा। पूरा दिन लेकर आइएगा यहाँ के। अच्छा जी, उस साइड पर तो वहाँ की सनतकारियाँ थी, अब यहाँ पर सारे रेस्टोरेंट्स हैं। एक लाइन से अल्फवार रेस्टोरेंट है, ये पता नहीं कहाँ का है। इसके बाद बिल्कुल इसके बराबर में आता है अलहाज बंदू खान, फेमस पराठा कबाब एंड चिकन। ये देखिए यहाँ से बात की हमारी इस खूबसूरत महफिल, यहीं से बात शुरू। हमारे बहुत ही खूबसूरत शाही मेहमान मौजूद हैं, जो कि बहुत खूबसूरत अपनी तमाम जितनी भी उनकी वीडियोस हैं, उनके ब्लॉग हैं, बहुत अच्छा तस्विया करते हैं और उसके साथ रिव्यू भी बहुत अच्छे देते हैं। थैंक यू। तो अब जरा सेल्फी हो इसके साथ। हमारे दरमियान में जो मौजूद है हमारे बहुत अच्छे दोस्त, बहुत खूबसूरत शख्सियत के मालिक, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी के मालिक, जनाब मोहम्मद यहया। आप झूठ बहुत बोलते हैं। अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। क्या बात है हाजी साहब, क्या बात है। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी सेहत तबीयत सब कैसी है? सब अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। अच्छा लगा आपको। थैंक यू सो मच। मकसूद भाई हैं, अलहाज बुलू साहब के बेटे हैं मेरे ख्याल में, मैं अगर गलत नहीं हूँ, पोते हैं।
کب سے سلسلہ جاری ہے؟ یہ میرے دادا نے شروع کیا تھا جی, اور اتر پردیش کے شہر میرٹھ سے پیدا ہوئے تھے میرے دادا. اچھا, میرٹھ کے ہیں؟ میرٹھ سے تعلق ہے ہمارا. کیا بات ہے. وہاں پر وہ سونے چاندی کا کام کرتے تھے پہلے, کارخانہ تھا میرٹھ کے اندر. اچھا, میرے والد صاحب جو تھے محمود بندو خان صاحب, جس دن چھٹی ہوا کرتی تھی جی تو دہلی میں جا کے ماموں کے یہاں کام کرتے تھے, سیکھتے تھے وہاں جا کے. کس چیز کا کام؟ یہ کباب پراٹھے. تو انہوں نے وہ کام سیکھا. 1947 میں پاکستان بنا, یہ پاکستان آ گئے میرے دادا اور میرے والد صاحب جی. پاکستان آ کے انہوں نے یہ کام اپنے ہاتھ سے شروع کیا, ایک چھوٹے سے ٹھیلے کے اوپر کام شروع کیا, ماشاءاللہ یہاں تک پہنچے. اس میں ان کا بڑا ہاتھ ہے. بالکل ایسا ہی ہے. میں تقریباً اپنے ہر ویڈیو میں یہ مشاہدہ بھی کرتا ہوں, اور میرا یہ ایمان ہے, دو باتیں ہیں. ایک تو اگر کسی کھانے کے کام پہ نسلیں بدل جائیں تو وہ کھانے کا ذائقہ آسمان چھو رہا ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بڑا نام ہوتا ہے اس کے مالک کا مزاج اخلاق اتنا ہی خوبصورت, اتنا ہی نرم ہوتا ہے. ایسا ہی بندو خان صاحب کے یہ پوتے جو میرے سامنے کھڑے ہیں مقصود بھائی, ان کا مزاج بھی بالکل ایسا ہے, نرم گفتاری, خوش اخلاقی, یہ سب کچھ ان کے اندر ایک پیکج کی طرح ہے. حاجی صاحب اجازت ہے, میں وہاں آ سکتا ہوں؟ بالکل. بہت شکریہ. پاکستان کے ایک مشہور ریسٹورنٹ کا کچن ہے. اس وقت ہم دبئی میں ہیں, دبئی کے گلوبل ویلج میں ہیں. گلوبل ویلج میں آج گلوبل سینٹر کا کیمرہ پاکستانی کھانے کو ٹرائی کرے گا. سر, نہاری ہوتی ہے آپ کیا؟ جی بالکل, نہاری بھی آپ کو ملے گی, بریانی ملے گی. خاص جو بہت مشہور ہو, باربیکیو میں ہمارا بڑا اچھا نام ہے, اور باربیکیو ہمارا بڑا اچھا بنتا ہے. اچھا, ادھر کیا کیا ایک بار ذرا تعارف کرا دیں. بریانی ہے. اچھا جی, چکن بریانی ہر 50 کلومیٹر پہ بدل جاتی ہے, میرا ہی ماننا ہے. بالکل, آپ بریانی اور زبان اور مزاج ہر 50 کلومیٹر پہ بدل جاتا ہے. تو یہ بریانی کس قسم کی ہے؟ کراچی والی ہے, بمبئی والی ہے؟ کراچی والی اسپیشل بریانی ہے. صحیح, مسالے والی بریانی. آپ کا نام بھائی؟ شوکت نام. شوکت بھائی, ایک چیز مجھے بالکل ٹھوک بجا کے صحیح صحیح بتائیے گا, جو میں آج یہاں کھانے چکھوں گا وہ پاکستان والے آپ کے آؤٹ لیٹ سے کتنے مختلف ہوں گے؟ پاکستان اور یہاں کے ہمارے جو آؤٹ لیٹ ہیں بالکل آپ کو سیم ملے گا. ہم جتنی ریسیپی ہے پاکستان سے کیری کرتے ہیں. صحیح ہے. یہ کوئی چیز ختم بھی ہو جائے گی ہمارا ایک بندہ اسپیشلی جائے گا لینے. ارے یار, یہاں سے نہیں پرچیز. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا, ذرا آگے بڑھتے ہیں. یہ چکن کڑھائی ہے, قورمہ ٹائپ کا بناتے ہیں. یہاں پہ عربک بھی, فارنرز بھی, تھوڑا سا ڈرائی نہیں ہوتا, وہ ڈرائی نہیں پسند کرتے. بالکل صحیح ہے. تو گریوی ٹائپ کا پسند کرتے. یہ مجھے نہاری لگ رہی ہے. نہاری کی شکل دیکھ کے بتا دیا. میں آپ کو بتا دوں کہ مجھے کئی لوگ, میرے چینل کا نام ہے گلوبل سینٹر, تو کئی لوگ مجھے نہاری سینٹر بھی کہتے ہیں. میرے چینل پہ نہاریوں کی پوری پی ایچ ڈی ہے, اور ہمارا یہ بڑا پختہ ماننا ہے کہ نہاری پیدا ہوئی پرانی دلی میں, اس کے بعد ساری دنیا میں پھیل گئی. کیا ایسا ہی ہے؟ بالکل ایسا ہی. چلیے, یہ بھی آپ پاکستان کی پہچان بن رہی ہے. جی جی جی, پاکستان کی پہچان. ایسا ہی نہاری بن رہی ہے, اس لیے ہمیں رکھنا پڑا. آج تو ہم ضرور کھائیں گے نہاری. بالکل, میں کھلاؤں. صحیح, بہت شکریہ. اچھا جی, نہاری تک آگے تھے ہم. آگے یہ حلیم ہے, مٹن حلیم ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چنا مسالہ ہے, یہ مٹن کڑھائی ہے. مٹن کڑھائی آ گئی, بکرے کی مٹن کڑھائی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ چکن بون لیس ہانڈی ہے سر, چکن بون لیس ہانڈی. کس قسم کی ہوتی ہے سر یہ چکن؟ کریم کے ساتھ بنی ہوتی ہے, تھوڑی لیس اسپائسی ہوتی ہے. یہ بٹر چکن ہے ان کے لیے, یہاں پہ ہم نے تھوڑا سا بٹر چکن رکھا ہوا ہے. ویجیٹیرینس کے لیے بالکل سیپریٹ دال, ساگ, دال مکھنی. کیا بات ہے, مکس ویجیٹیبل. جی یہ سارا ویجیٹیرین کوئی ہے تو اس کے لیے کاؤنٹر ہی الگ ہے. یہ بالکل بالکل الگ, یہ بڑی اچھی بات ہے. چکن وائٹ ہانڈی ہے. اچھا اچھا, یہ دیکھیں, اس کے علاوہ یہ دیکھیں برین مسالہ. ارے واہ, یہ مغل نہاری بھی چلتی ہے ہماری, اسپیشل برین. ہاں ہاں ہاں, اسپائسی مغل نہاری. رائٹ رائٹ. اور یہ ادھر برین بھی ہے. اچھا, یہ پالک پنیر ہے. واہ بھائی, بہت ساری ورائٹی ہے. اچھا, یہ ادھر گرم نان آپ کے لیے. بات ہے وہی ہماری والی جو تندوری روٹی ہے, روٹی ہے, بٹر نان ہے جی, پلین نان ہے, مکئی کی روٹی بھی ہے. اور اصل بات یہ ہے, جب یہاں پر آپ آئیں تو آپ دیکھیں گے انڈین بھی آپ کو ملیں گے, پاکستانی بھی ملیں گے آپ کو, یہاں کے اپنے لوکل بھی ملیں گے. کیونکہ کھانے کا ذائقہ اتنا اچھا ہے خود بخود چھینک کے لے آتا. اچھا جی, تو یہاں ہم نے گریویز دیکھی, یہاں بریانی دیکھی. بریانی ایک ہی قسم کی بناتے ہیں؟ چکن بریانی ہے اسپیشل جو کراچی کی ہوتی ہے بہت, اور مٹن اسپائسی ہوتی ہے نا, وہ تھوڑی کراچی سٹائل کی ہے, اسپائسی بناتے ہیں اسپیشل. اچھا جی, تو باربیکیو میں ان کا کیا کیا چل رہا ہے ذرا دیکھتے ہیں. یہ ملائی بوٹی ہے, برابر میں چکن بوٹی ہے. یہ چکن ٹکا اسپیشل جو بندو خان کا سیخ کباب اور چکن ٹکا پراٹھے کے ساتھ اسپیشل, جو 1947 سے لے کے زیادہ مشہور ہے, چل رہا ہے. اس کے ساتھ اسپیشلی پراٹھا کھایا جاتا ہے, اس کا چٹنی ہے اسپیشل ان کی اپنی بنی ہوئی سیخ کباب. اور یہ بہاری بوٹی ہے, یہ مسالہ اسپیشل ریسیپی ہے صرف بندو خان والوں کے پاس.
तो साहब यहाँ पे इनका स्पेशल बारबेक्यू है, बहुत बड़ी सी इनकी ये भट्टी है, ये सीख कबाब है, स्पेशल सीख कबाब है, ये इनका खास, ये तंदूरी है, ये तंदूरी चिकन है, चिकन टिक्का भी है। तो यहाँ मेरे ख्याल में अब हमें खाने की तरफ बढ़ना चाहिए। बिल्कुल ताज़ा बन रहा होता है, हर चीज़ ये पेस्ट बना रहे हैं हम, बिल्कुल ताज़ी हर चीज़, रोटी ताज़ी, बटर नान, हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, हर चीज़ बिल्कुल बिल्कुल। ये स्पेशल पराठा है जो खास तौर से कबाबों के साथ खाते हैं, ये पराठा ये फ्राई करके बनाते हैं, इनके अपने तरीके हैं। वाह जी वाह, ये मेरे ख्याल में अगर मैं इसको देख के बताऊंगा तो मुझे ये पूरी की तरह का लग रहा है, जैसे पूरी होती है, जब चीज़ें साफ़ सुथरी होती हैं तो फिर जायके भी अच्छी हो जाती हैं। वहाँ बारबेक्यू का काउंटर है, यहाँ ये पराठे चल रहे हैं, पीछे रोटियाँ चल रही हैं, इधर सारे खाने बनते जा रहे हैं और इसके अंदर ऐड होते चले जा रहे हैं, बहुत कुछ है, बड़ा भारी भरकम सा है, बड़ा तेज़ सा है। आपकी हिम्मत है साहब, इतनी वैरायटी आप यहाँ पर सर्व कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ पर हर किस्म के लोग आते हैं, तो हमने इंडियन के तो इनके हिसाब से खाने, पाकिस्तानी तो उनके हिसाब से। अच्छा जी, तो फिर किचन का काम ख़त्म हुआ, देखते हैं कि अब हमारे पास टेबल पर क्या क्या आता है। सभी चीज़ें ताज़ी बन रही हैं, जो कुछ भी मैंने देखा टेबल पे आता है वो हमसे क्या कहता है, हम उसका मुवाजना करते हैं, उसके बाद क्या नतीजा निकलता है आपके सामने रखते हैं। अच्छा जी, जो याद दिलाई आपको सुबह दिल्ली में करूँगा। हाँ क्या बात है, यही उम्मीद है मुझे, जो ऐसा लगे जैसे पाकिस्तान में खड़े हैं। अच्छा जी, ये मटन में है सर, और ये है स्पेशल बिरयानी। वाह जी वाह, अच्छा जी, तो यहाँ पर अलहाज बुंदू खान, कुछ खानों का सिर्फ मज़ा लिया जाएगा, कुछ खानों के साथ कंपैरिजन किया जाएगा और ये सब इस टेबल पर होगा। हमारे पास आ जो चुका है वो आ चुका है, ये मलाई बोटी। शौकत भाई ये क्या आइटम है? ये बिहारी कबाब है, स्पेशल बिहारी कबाब है, मसाले वाला। मलाई बोटी है, नहारी आ गई, हलीम आ गया, बिरयानी आ गई, ये बटर चिकन है, बटर चिकन और ये सीख कबाब। चलिए ठीक है, थैंक यू। चलिए साहब, तो ये टेबल पूरी लग चुकी है, अब बस बिस्मिल्लाह करने की देर है और मवाजने शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले ड्राई आइटम से शुरू करते हैं, नहारी पे और बिरयानी पे आखिर में आएंगे, तो इसलिए इसको साइड करके रखते हैं और शुरुआत करते हैं इस बिहारी बोटी से। सर आप शर्मिंदा कर रहे हैं, आप मत जहमत कीजिए प्लीज़, थैंक यू सो मच। अरे शुक्रिया शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चलिए साहब, कुछ चीज़ें जो हैं वो मनो सलवा की तरह से मज़ीद उतरी हैं। यह चिकन टिक्का है, हाजी साहब खुद देकर गए हैं, उन्होंने कहा ये खास तौर से हमारा खाकर देखिएगा। तो ये टेबल धीरे धीरे भर गई है, शुरुआत करेंगे हम बिहारी बोटी से। इसकी खासियत ये बताई गई कि ये बहुत सॉफ्ट होती है। आहा, अंगारा है अंगारा। बिस्मिल्लाह, ये तो अच्छी है यार, चटनी लगाते हैं। ये कमाल है जिससे शुरुआत हुई है। अगली आइटम है मलाई बोटी, मलाई बोटी चिकन में है और बड़ी सॉफ्ट होती है। यहाँ पर ये कैसी है इसी से पूछते हैं। मलाई बोटी को मलाई बोटी कहा जाता है, वो बाकी में मलाई है। तो अब ये सीख कबाब जो हैं, ना दिल्ली के हैं, ना संभल के हैं, ना कलकत्ता के हैं, ये इस वक्त कराची के सीख कबाब हैं जो हम दुबई में बैठकर खा रहे हैं। इसको खाकर देखते हैं ये क्या कहता है। मटन का सीख कबाब है, अलहाज बुंदू खां के आका है, इनके बारबेक्यू बहुत मशहूर हैं। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा, थोड़ी सी झलक, बहुत मामूली सी झलक संभल के कबाबों की है, लेकिन वाकई में ये पता लग रहा है कि संभल के नहीं हैं, बहुत अच्छा है, ये सब कमाल है। तो ये वो चिकन टिक्का है जो हाजी साहब आज खुद मेरे पास लेकर आए थे, उन्होंने कहा भाई ये ज़रूर खा कर देखेगा, बड़ा जूसी सा है कुछ। असल में अगर किसी चीज़ का नाम अलग है तो उसका जायका अलग होना बहुत ज़रूरी है। ये मेरी अपनी एक कसौटी है जो मैं मानता हूँ कि ऐसा होना ही चाहिए। चिकन टिक्का खा कर देखते हैं, चिकन का मज़ा, जिस भट्टी पर ये सिककर आया है उसकी खुशबू और गलावट और जूसी, ये सब कुछ इसके अंदर मौजूद है। स्पाइसेस कम हैं जो कि इसको अपना जायका बाहर निकालने के लिए बहुत मुआविन हो रहे हैं। अच्छा है, चिकन का अपना मज़ा महसूस हो रहा है। तो ये जो पराठा इन्होंने दिया था, जो हमारे हिसाब से पूरी है, ये इसको पराठा कहते हैं,
हम इससे इनकी एक बिहारी बोटी खाकर देखते हैं। बहुत सॉफ्ट है, इसकी सॉफ्टनेस जो है ना उसको समझ लीजिए कि दिल ले जा रही है बार बार। इसके साथ उन्होंने मुझे बताया कि भाई ये सॉस ज़रूर लगाइएगा। कड़क सा पराठा, नरम सी बिहारी बोटी, उसको लपेट दिया साथ में और ऊपर उसको दे दी सॉस, और अब जाएगा ज़बान के सेंसर पे और ज़बान के सेंसर बताएंगे कि जायका कैसा है। बिस्मिल्लाह। ये इसका सही कंपेनियन है, इन्होंने मुझे बताया। इसके साथ अगर आप ये खाते हैं तो जल्दी आपका पेट भर देगा, थोड़ा सा हैवी कर देगा क्योंकि ये फ्राइड है, डीप फ्राइड है, लेकिन जायका भी बढ़ जाएगा। बटर चिकन हम लेंगे इस खमीरी रोटी से। अच्छा, खमीरी बटर चिकन, बटरी होने के साथ साथ हल्का सा मीठा, उसी के अंदर सारे जायके होने चाहिए। बिस्मिल्लाह करके देखते हैं। हमारे बटर चिकन से काफ़ी अलग है, कहीं कहीं कुछ रिजेंबलेंस आ रही है लेकिन ओवरऑल मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ है तो अच्छा लग रहा है क्योंकि इंसान की तबीयत है कि वो चेंज चाहता है। आप गरम नान के साथ खाएं। बड़ी मेहरबानी है, नहारी के साथ। मैं यही चाह रहा था, अब क्योंकि रोटी गर्म है वो ठंडी हो जाएगी, इसलिए आप पहले नहारी को, नहारी से बात कर लेते हैं। भाई ये नहारी जो है, इसके बारे में आपको बता दूं, ये चली पुरानी दिल्ली की तंग गलियों से और उसके बाद इसने सारी दुनिया का सफ़र किया। ये जहाँ गई वहाँ को इसने अपना लिया और इसको उन लोगों ने अपना लिया। फिलहाल ये नहारी अलहाज बुंदुखा के रेस्टोरेंट की नहारी है, ये दुबई की नहारी है, ये ग्लोबल विलेज की नहारी है। बिस्मिल्लाह करते हैं। गरम गरम रोटी है जो कि नहारी के लिए ज़रूरी होती है। रोटी बहुत गर्म है, मटन की बड़ी सॉफ्ट सी बोटी, साथ में कड़क सी तंदूरी रोटी और ये नहारी और नहारी की ग्रेवी, साथ में थोड़ा सा रोगन, ये सब कुछ जब मिल जाता है तो बन जाता है एक बड़ा ख़तरनाक पैकेज जिसको नहारी कहते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। नहारी अच्छी है, मुझे उम्मीद कम थी लेकिन सच में नहारी अच्छी है और थोड़े लोअर स्पाइसेस हैं, थोड़े से समझ लीजिए कि थोड़े हल्के स्पाइसेस तो हैं लेकिन इनकी जो तेज़ी है वो उस तरह की नहीं जैसी हमारी नहारी में होती है। तेज़ी इनमें भी है लेकिन थोड़ी साइड से है, मुझे पसंद है। जब दूसरा निवाला आप इसका लेंगे तो आपको पता लगेगा कि इतने कम स्पाइसेस में नहीं है जितने आप इसको आंक रहे थे। नहारी जब तक मुंह ना जला दे जब तक मज़ा नहीं आता। नहारी चीख रही है, कह रही है कि मैं नहारी ही हूँ, आप मुझे कुछ और साबित कर नहीं सकते। बिरयानी पे आ जाते हैं, उसके बाद आपसे छुट्टी लेके इस खाने को जिएंगे, उसके बाद आखिर में बात करेंगे। उससे पहले बिरयानी, जो बिरयानी है वो हाथ से ही खाई जाएगी साहब। ये कराची की बिरयानी है, थोड़ी सी स्पाइसी होती है, इसमें स्पाइसेस मिक्स्ड अप होते हैं, अलग से लेयर कुछ आपको महसूस नहीं होगी लेकिन स्पाइसी होती है। नहीं यार अभी हाथ साथ नहीं दे रहा, चम्मच से लेते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। मैं ये कहा करता हूँ उमूमन कुदरत ने हर अलग हाथ को अलग जायका दिया है। जब एक ही डिश अलग अलग लोग अलग अलग सरजमीन पे अलग अलग आबोहवा में बनाते हैं लेकिन वो चीज़ एक ही होती है, यहाँ कुदरत उसके अंदर अलग जायका डालती है ताकि जब भी कोई बिरयानी बेचे, अगर 10 लोग भी बेचें तो 10 लोगों की बिरयानी का जायका अलग हो और 10 अलग लोगों को वो पसंद आती हो। ये कुदरत के निज़ाम है। ये बिरयानी बहुत अलग है, ये कराची की बिरयानी है, मुझे अच्छी लगी। जब दुबई में बैठकर ग्लोबल विलेज के अंदर अलहाज बुंदू खां की ये बिरयानी आप ग्लोबल सेंटर के कैमरा पे देखेंगे तो उसके बाद आप जब दुबई आएंगे तो उसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बिरयानी का एक और निवाला, उसके बाद आपसे इजाज़त, इस खाने को जीने। जब हलवे की बारी आएगी तो आपसे दोबारा मुलाकात करें। तो बिस्मिल्लाह करते हैं इस हलीम के साथ। जब निवाला अंदर जाने के बाद उसका रिव्यू देर में बाहर आए तो ये समझ लेना चाहिए कि निवाला अपने जायके में आपको पूरी तरह से घेर चुका है। भाई बहुत मज़ा आया, ये सब बुजुर्गों की दुआएं चल रही है। ज़ाफ़रानी से कलर का ये हलवा है, पहले इस हलवे का एक निवाला रूखा, उसके बाद इस पराठे से भी इसको ज़रूर खा कर देंगे। सही से जब तक पराठा हलवे के साथ ना खाएं तो मज़ा नहीं आता, मज़ा नहीं आता। बहरहाल सबसे पहले इसको रूखा खाकर देखते हैं। मेरे दादा के 7 बेटे थे, 7 बेटों के फिर बेटे बेटियां सारे मिला के तकरीबन 150 आदमी है जो आज भी हम एक साथ रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, क्या एक बात ही चूल्हे पे खाना पकता है सबका। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, इसमें ये तो रिकॉर्ड हो गया कुछ नहीं। बिल्कुल मैं हकीकत बता रहा हूँ, यही मेरा पैगाम है, सब मिल के रहे तो चूल्हा में बरकत डालेंगे। क्या बात, तकरीबन 150 औलादें वो एक साथ रहती हैं, एक ही किचन में खाना पड़ता है, बात है, सब मिलजुल कर रहते हैं। क्या बात है, इसी किस्म का, इसी अंदाज का हलवा हम अमूमन मक्के और मदीने में वहाँ खाते हैं। हमारे बहुत ही खूबसूरत एंकर और बहुत ही प्यारे यूट्यूबर जो कि हर खाने का रिव्यू इतना मजेदार देते हैं कि दिल चाहता है
कि उस वीडियो में से वो खाना निकाल के खाना। आपका नाम? मोहम्मद आबिद। आबिद भाई, आप इसी वेशभूषा में रहते हैं? इधर तो सर पे सवालों का बोझ रखा है, उधर ये हुक्म मिला है कि जुबान मत खोलो। कोई भी फन हो, नुमाइश बहुत जरूरी है, अगर सजा नहीं सकते तो दुकान मत खोलो। ओहो, क्या बात है। मैं थोड़ा सा बता दूं कि ग्लोबल सेंटर बहुत प्यारा चैनल, कि इन्होंने जो अपने नाम रखा है ग्लोबल सेंटर, ये दुनिया को कनेक्ट करते हैं अपने जायके से। आज बुंदू खान में हमारे याहिया साहब तशरीफ लाए हैं, ये बड़ी खुशनसीबी की बात है। थैंक यू। तो आप ये बताइए कि आपको यहाँ के आज कैसा लगा ग्लोबल में और बुंदू खान में? मैं सोच के आया था कि पाकिस्तानी खाने मिलेंगे। जी, लेकिन मुझे एक मिड पॉइंट पे खाने मिले जो ना पूरे पाकिस्तानी थे ना पूरे इंडियन थे, एक ऐसे दरमियाने एक नुक्ते पे, एक मिड पॉइंट पर ये खाने हैं कि जो सबको अच्छे लगेंगे। आपकी मोहब्बतों का, आपके जायकों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूं ही खूबसूरत खुशबुएं और जायके परोसते रहिए, मेरी यही दुआ है, आप 100 साल जी। थैंक यू सो मच। तो यहाँ मुझे यानी मोहम्मद याहिया को इस ग्लोबल विलेज से और इस अलहाज बुंदू खां से इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।